गोवर्धन में आइसक्रीम दिलाने के बहाने किशोर ने 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म। खबर पोहरी अनुविभाग के गोवर्धन थाना क्षेत्र से है, जहां 6 साल की नाबालिग की बच्ची को एक किशोर आइसक्रीम दिलाने का लालच देकर संग ले गया और कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ गलत काम कर दिया, जिसकी जानकारी पुलिस ने आज बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को दी है, जहाँ पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ केस दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, गोवर्धन थाने आकर पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 6 साल की बच्ची के संग किशोर ने गलत काम किया। बच्ची 10 मई को अपनी सहेली के संग खेल रही थी, तभी आरोपी किशोर आया और आइसक्रीम दिलाने के बहाने संग ले गया, कमरे में ले जाकर 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची पेट दर्द की बार बार शिकायत करती रही, फिर भी परिजनों द्वारा इत्मीनान से पूछने पर किशोरी का नाम बताते हुए किशोर का नाम बताते हुए सारी जानकारी दी। नाबालिग सहेली ने भी घटना के बारे में बताया। उक्त मामले में पुलिस ने किशोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बैराड से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज कहाँ रहते हो? गोवर्धन। ये बच्ची के साथ रेप हुआ है, कौन है जी आपकी? ये मेरी बहन है। बहन, कैसे, क्या घटनाक्रम था? ये अपनी बेटी बहन 6 साल की है और इसमें 16 साल का एक लड़का है, उसने आइसक्रीम दिलाने के बहाने बगल में एक कमरा में बंद करके मूवी बंद कर लिया था। बच्ची चिल्ला रही थी तो उसने बहुत गलत काम किया है उसका। आज अब भी पेट दर्द और बुखार हुआ हो रहा है, मेडिकल यहाँ पे भर्ती करना पड़ेगी हॉस्पिटल में उसको। तो क्या नाम है कि और भी बच्चे थे इसमें साथ में, अकेली थी ये? नहीं, ये अकेला ही था। बच्ची आपकी जो बच्ची और थी, बाहर खेल रही थी, उनको भी आइसक्रीम दिलाई थी, अब वो तो बाहर खेल रही है। अभी उसके बाद में गेट लगा दिए, बच्ची की आवाज आई तो और बच्चे पहुंचे बाहर, उसकी आवाज सुन के तो फिर गेट जबरदस्ती गेट खुलवाए, गेट भी नहीं खुल रहा था। आपने पकड़ लिया था कि उसको आरोपी? नहीं नहीं, वो चला गया था, आरोपी चला गया था, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के लाई है। तो बच्ची वगैरह ने घटना के क्रम के बारे में किसी से जिक्र वगैरह किया कब? हाँ, उसने 3-4 दिन बाद जिक्र किया, उसका पेट दर्द और बुखार वगैरह हुआ, उसको दिक्कत आई तब उसने बताया है। किसको बताया था? ये वो चाची को बताया था, भाभी हैं, चाची हैं, उनको बताया था। क्या बताया था? ये मेरे साथ में ये हुआ है, उसने, उस लड़के ने ये किया है और मतलब बहुत बेकार वो किया है, उसने बेकार काम किया है। तो मासूम बच्ची थी 6 साल की, तो परिजनों ने क्या ध्यान नहीं दिया उस दिन बच्ची के साथ? नहीं नहीं, तो पास में रहते हैं सब लोग, घर पास में है तो सब डेली खेलते, साथ में ही खेलते रहते, इतना ज़्यादा वो नहीं था उनका वो कि ऐसा कर देंगे। किसकी कमरे पे ले जाके किया था ये? वो लड़का अपनी बुआ की कमरा पे ही रहता है, वहीं पे सोता है, उसी कमरे पे ले जाके शाम को बच्चे खेलने निकलते हैं गर्मी के टाइम में। तो बुआ वगैरह कहाँ रहती हैं? जो वो बुआ वगैरह तो कहीं और काम करने जाती हैं, तो कोई नहीं रहता उस समय पे, कोई नहीं रहता। इसका बच्चे का पहले का रिकॉर्ड किस तरह का है गांव में? ये बहुत सातेर बदमाश, इसने बहुत सारी चोरियां की हैं, इसका भाई भी चोरी करता था, इसके पिताजी ने भी बहुत चोरियां की हैं, पूरे गांव में ये इसका बहुत बेकार वो है। तो इनके खिलाफ कोई थाने तक कोई मामला पहुंचा है? इनके परिवार या बच्चे के खिलाफ कोई थाने तक मामला पहुँचा हुआ? हाँ, थाने तक तो बहुत सारे मामले गए हैं, पर सब रपा दपा कर देते हैं, बाद में 1-2 दिन में बच्चे उनको छोड़ देते हैं, और थाने तक बहुत से मामले गए हैं पर किसी में वो सुनवाई नहीं हुई। पिताजी वगैरह का इस टाइप का कोई रिकॉर्ड हो या छेड़छाड़ हो कुछ? हाँ, पिताजी का छेड़छाड़ का रिकॉर्ड तो नहीं है, वो तो बस चोरी चोरी और इनका ही वो है, इनका ही है। हाँ, तो और बड़े बड़े लड़के का भी ऐसा ही है, चोरी का, वो भी चोरी का। कितने भाई बहन है जी आरोपी? ये 2 भाई है, 1 बहन है। ये कौन से नंबर का है? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, तो बाकी भाइयों की शादी वगैरह हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो ये बच्चे के साथ हुआ है, वो कितने बहने और भाई है? ये तो एक बाल भाई है और 2 बहने हैं, एक बड़ी बहन है और ये छोटी है और एक छोटा भाई है इससे। स्कूल भी जाते होंगे दोनों, तो एक स्कूल में है क्या, अलग अलग कुछ? नहीं नहीं, स्कूल तो एक ही करत साल आया है, तो वहाँ पे सब जैसे एक साथ में ही जाते हैं। एक ही उसमें? हाँ, एक ही करत साल आया गोवर्धन में, तो वहाँ पे सब लोग एक साथ में ही जाते हैं। इससे पहले बच्ची को कभी उसने परेशान किया हो या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ वो नहीं है कि पहले से, अगर वो बताती अगर ऐसा परेशान करता तो वो तो अब एकाएक
क्या उसके उसमें दिमाग में आई, क्या कैसे कर दिया, ये तो वही जाना है। माता पिता बस उस समय कहाँ गए थे घटना के समय? नहीं, माता पिता तो अब जैसे मजदूरी करने जाते हैं तो वो तो अब वो बगल में बच्चे खेलते हैं उनके साथ में छोड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, शादी भी थी, चल रही थी उस समय पे, शादी थी गांव में ही। हाँ। तो उस वहाँ पे भी सब लोग गए हुए थे। हाँ। तो बच्ची को अकेला देखकर और बच्चे साथ में खेल रहे थे, उनको आइसक्रीम दिला के और बच्ची को कमरे में ले गए अंदर। तो और बच्चे भी होंगी ना उसके साथ? और बच्चे खेल रहे थे बाहर। अब उनकी उम्र क्या होगी बच्चों की? वही 5 साल 6 साल 7 8 साल 10 11 साल। रिश्तेदार है आपको कौन है? आरोपी जो है कौन लगता है?